हेलो फ्रेंड, तो आज हम आपको बताएंगे आप अपना नोवो पे रिटेलर पोर्ट डालवे वॉलेट में UPI के जरिए आप कैसे अपना वॉलेट को रिलोड कर सकते हैं। तो हम आपको एक डेमो देना चाहते हैं, पूरा वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा। ये बहुत ही बढ़िया अपडेट है नोवो पे के लिए। आपको मैनेज वॉलेट में आना है, उसके बाद रोड वॉलेट नाउ इस पर क्लिक करना है। देन आपको कितना लेना है, हमें 50,000 लेना है, सॉरी 50,000 नहीं होगा, मैं 20,000 लेते हैं। 20,000 UPI में आपको सिलेक्ट करना है। करने के बाद आपको जो चार्ज देना पड़ेगा 284 रुपया, 20,000 में 284 रुपये देना पड़ेगा। तो हम वहाँ भी 2,000 लेके आपको दिखा रहे हैं। 2,000 में आपको बहुत ही कम देना पड़ रहा है, 2,000 में आपको देना पड़ रहा है 2,40 रुपये। तो हम प्रोसीड करते और यहाँ पे अपना UPI ID डाल देते। जैसे कि ये रहा मेरा UPI ID। तो ये हो गए मेरे, सिंपल को पे पे क्लिक करना है। तो ये वेरीफाई हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। 2 से 4 सेकेंड टाइम लगता है, कभी कभी 15 सेकेंड भी लगता है। ये बिल्कुल नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरा UPI ID गलत है तो वो भी अभी आ जाएगा। तो आप ऊपर देख सकते हैं मेरे कोटक महिंद्रा बैंक से वो मैसेज आया है। तो हम दिखा रहे हैं आपको स्लिप करके। तो यहाँ पे आया है नोवो पे सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो इतना लॉगिंग भी में आप, तो मतलब इसमें लगा लिख के आया है 2,000 रुपया हमने मंगाया नोवो पे सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से। तो ये हमको अब देना है। तो यह तब तक ऐसे रहेगा जब तक आप अपना उस पर मतलब जिसका UPI ID डालेंगे वो जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैंने मेरा ही UPI ID डाला हूँ। तो हम आपको जाके दिखा रहा हूँ। तो मैंने आ गया अपना कोटक महिंद्रा बैंक में। तो ये आप देखिए, हम आपको थोड़ा सा बैक करके दिखा रहे हैं। तो ये है मेरा कोटक बैंक का पोर्टल। तो यहाँ पे भीम UPI मैंने क्लिक किया। यहाँ पे अपना पिन डालना पड़ेगा, मुझे पिन डालने के बाद कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिल जाएगा। मतलब आप अपना नेट बैंकिंग ओपन करेंगे तो इस टाइप का देखने मिल जाएगा। मिलने के बाद आप भीम पे आएंगे, भीम UPI। ये देखिए पेंडिंग रिक्वेस्ट में है, ये देखिए नोवो पे प्राइवेट लिमिटेड डैश। अगर हम इसको अप्रूव करते तो अभी हमारा पैसा जो है मेरे नेवो पर रिटेल पोर्टल में आ जाएगा। अगर हम उसको रिजेक्ट करते हैं तो नहीं जाएगा। तो अप्रूव हम नहीं कर रहे क्योंकि हमको बैलेंस चाहिए नहीं। हम ऐसे डेमो देने के लिए, आपका हेल्प करने के लिए वीडियो बना रहे, तो हमको रिजेक्ट कर दे रहे, रिजेक्टेड। तो मैंने यहाँ से रिजेक्ट कर दिया। अब मैं आऊँगा अपना नोवो पे रिटेलर पोर्टल पे। तो यहाँ पे दिखा रहे पेमेंट रिजेक्टेड बाय कस्टमर। तो फ्रेंड ये हो गया आपका UPI का ट्रांजैक्शन। ये था फुल प्रोसेस, इसको आप फॉलो करके अपना पेमेंट ले सकते हो वॉलेट में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, ये वीडियो देखने के लिए आपकी बहुत बहुत थैंक यू। आपको जय हिंद।